नमस्कार दोस्तों, एनपीटी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर आमोद, एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड की तरह काम करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, किन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके लिए, और इसके उपचार के लिए क्या क्या विकल्प हैं। हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है और ये लोगों की डेली एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरफेयर करता है। सिंपल एक्टिविटीज़ जैसे कि अपने कंघी करना, अपने कपड़े बदलना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जो लोग इस कंडीशन से सफ़र करते हैं उनके लिए, और इसको रिकवर करने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय तक परेशानी रह सकती है। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है क्या। तो फ्रोजन शोल्डर, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, शोल्डर मतलब कंधा, तो ये कंधे की दर्द की कंडीशन है जिसमें दर्द के अलावा कंधे में स्टिफनेस आता है, उसकी मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, और जैसे जैसे ये कंडीशन चेंज होती है, प्रोग्रेस करती है डिफरेंट स्टेजेस से, किसी कंडीशन में दर्द ज़्यादा तंग करता है और किसी कंडीशंस में मूवमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हो सकता है इनिशियली दर्द सिर्फ कंधे पर लेटने में रात के समय आए, लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन प्रोग्रेस करती है तो ये दर्द हर समय रहने लगता है। और इस कंडीशन में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि जो कंधे का जोड़ है उसके आसपास एक कैप्सूल होता है और वो कैप्सूल टाइट हो जाता है। इसको आप एक कवरिंग की तरह समझ सकते हैं जो पूरे जोड़ को सराउंड करता है, और जब वो कैप्सूल टाइट हो जाता है तो उसकी वजह से दर्द और मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आने लगती है। ये कंडीशन देखा गया है कि औरतों में ज़्यादा पाई जाती है, खास करके वो औरतें जिनकी उम्र 40 से 60 साल के बीच में हो। उसके अलावा डायबिटीज़ और थायरॉयड वाले मरीजों में ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है, और अगर किसी वजह से आपका कंधा इमोबिलाइज है, यानी कि आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि फ्रैक्चर के बाद या स्ट्रोक के बाद, तो भी ये कंडीशन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका डायग्नोसिस बनाना उतना मुश्किल नहीं है और ज़्यादातर लोग सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही डायग्नोसिस बना पाते हैं, लेकिन बहुत बार हमें और इन्वेस्टिगेशन जैसे कि अल्ट्रासाउंड स्कैन या MRI स्कैन या ब्लड टेस्ट की भी मदद लेनी पड़ती है। ब्लड टेस्ट प्रमुखता हम डायबिटीज़ और थायराइड देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे अहम भाग के बारे में कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या विकल्प है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम बहुत सारी मोडालिटीज़ यानी कि बहुत सारी ऑप्शंस को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शन ट्रीटमेंट कहते हैं, और इसमें दवाइयों को, फिजियोथेरेपी को, इंजेक्शंस को और ऐसी सब चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करके हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम दवाइयों की बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ इस कंडीशन में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये दवाइयाँ ज़्यादा लंबे समय तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिजियोथेरेपी फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट में एक अहम भूमिका निभाता है, और बाकी सारे ट्रीटमेंट्स के साथ इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि आप इसकी जो अपनी एक्सरसाइजेस हैं और जो आपकी मूवमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू रखें। तीसरा एक विकल्प जो मैंने पहले बोला ट्रीटमेंट के लिए, वो है इंजेक्शंस का विकल्प। तो इंजेक्शंस 3 प्रकार के होते हैं जो फ्रोजन शोल्डर में हम इस्तेमाल करते हैं। पहला कंधे के जोड़ में इंजेक्शन, दूसरा कैप्सूल के नीचे इंजेक्शन जिसमें हम कैप्सूल को डिस्टेंट यानी कि उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, और तीसरा नसों के ऊपर काम करना। तो जो रिसर्च है वो ये बताती है कि अगर हम इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करें, इन इंजेक्शंस का डिफरेंट टाइप का, और उसको फिजियोथेरेपी से साथ में इस्तेमाल करें, तो जो उसका लाभ है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो यानी कि इन सब चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। जो भी हम इंजेक्शंस करते हैं उसमें हम अल्ट्रासाउंड की मदद लेते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से हम जहां हमें इंजेक्शन करना है उस जगह को देख सकते हैं, और हमारी इंजेक्शन की जो सुई है जिससे हम करते हैं उसको भी देख सकते हैं, तो उससे हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है और कॉम्प्लिकेशंस का चांस कम हो जाता है। जो मैं पहले ट्रीटमेंट बोल रहा था कैप्सूल के नीचे इंजेक्शन करने का, उसमें हम अल्ट्रासाउंड से देखते हुए कैप्सूल जो टाइट हो रखा है उसके नीचे दवाई डालते हैं। वो दवाई में सुन करने की दवा हो सकती है, स्टेरॉइड हो सकते हैं, या खाली पानी भी हो सकता है, और जैसे जैसे कैप्सूल के नीचे पानी इकट्ठा होता है तो कैप्सूल उठता हुआ हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है, और वो जो स्ट्रेचिंग होती है उसकी वजह से टाइटनेस जो है वो थोड़ी लूज हो सकती है और उससे आपकी मूवमेंट और पेन दोनों में लाभ आ सकता है। एक और ट्रीटमेंट जो मैंने बोली थी कि नसों पे काम करना, तो ये समझना ज़रूरी है कि जो भी हम दर्द महसूस करते हैं वो नसों के द्वारा दिमाग तक पहुँचता है और दिमाग में हमें पता चलता है कि ये दर्द हो रहा है। तो अगर हम इसको कहीं पे इंटरप्ट कर दें इस साइकिल को और नसें अगर पूरा जो पेन सिग्नल है दिमाग तक ना पहुँचा पाए तो दर्द में आराम आ सकता है। और ये काम हम करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी या क्रायो एब्लेशन की मदद से। तो ये सारे विकल्प, आप कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर है ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी कंडीशन किस स्टेज पे है, वो आपको कितना तंग कर रही है और आपकी और क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें, अपनी कंधे की मूवमेंट को बरकरार रखें और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करते रहें। और अगर इन सब चीज़ों से लाभ नहीं आ रहा है तो आप एक स्पेशलिस्ट की राय लें और जो इंजेक्शंस का विकल्प है इसको एक्सप्लोर करें। इसके अलावा सर्जरी के भी विकल्प होते हैं जो कि अगर बाकी सब चीज़ों से आराम नहीं आ रहा है तो उसको यूज़ किया जाता है। अंत में मैं आपसे मुझे सुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए और हम उनका जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।